हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू यूपी पाठशाला। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ के इस लेक्चर में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम की हम 10 क्लास कर चुके हैं और ये हमारी 11वीं क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिविजन मैथड के बारे में, विभाजन की विधि हिंदी में बोल देते हैं इसको। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को, लॉन्ग डिवीजन मेथड के किसी भी क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैंने लिया 25 और मैंने आपसे बोला कि इस 25 को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करने के लिए कितनी बार जाएगा ये, देखो 6 बार जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24, ठीक है 24 आ गया। अब देखो 25 में से हम 24 को माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारा रिमाइंडर 1। ठीक, तो ये जो विधि है किसी भी नंबर को डिवाइड करने की, ये जो विधि है हमारी, ये हमारी क्या कहलाती है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, विभाजन की विधि कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो टर्म यूज हुई हैं उनको हम क्या बोलते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे देखो 25 है, 25 को हमने 4 से डिवाइड किया तो ये हमारा क्या होता, 25 को क्या बोलते हैं हम, भाज्य। ठीक, जिसको हम भाग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य। जैसे कि 4 से हमने भाग दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक, कितनी बार 4 से कितनी बार भाग दिया था हमने, 6 बार भाग दिया था तो इसको हम क्या बोलेंगे, भागफल। ठीक है, आई थिंक ये चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। और जो आपका एक बचा इसको हम इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको हम शेषफल, शेषफल या शेष। ठीक है, आई थिंक ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर मैं बात करूं लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करूं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपका होता है भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है वो आपका ये होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसे नोट कर लो अच्छे से और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे इस पे, भाज्य गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल पर क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ऊपर वालों को मैं मिटा देता हूं। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन क्या है, यदि 256 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 बचता है। शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है, तब तब भागफल बताइए। ठीक है, हमें भागफल बताना है। देखो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, हमें क्या क्या गिवन है, देखो यदि इतने को भाग दिया जाए, इसे भाग दिया जाएगा, इसका मतलब है क्या दिया हमें, भाज्य, भाज्य बराबर कितने दिया है 256। ठीक, उसके बाद 5 से भाग देंगे, भाग देने वालों को हम क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है, तो भाजक हमें कितना दिया है, 5 भाग दिया जाए तो शेषफल 1 बचता है। शेषफल कितना हमारा, शेषफल हमारा कितना है, 1।
ठीक है, हमें क्या बताना, भागफल बताना है। इस फॉर्मूले में पुट कर दो, देखो भाज्य कितना है 256, एज इट इज रखो, भाजक 5 गुणा भागफल प्लस शेषफल कितना था हमारा 1। ठीक है, अब देखो 1 को माइनस करेंगे, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस करेंगे तो 256 में से माइनस करेंगे 1 कितना बचेगा 255 इक्वल्स टू 5 गुणा भागफल। ठीक है, अब देखो भागफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से इसे डिवाइड कर देंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर लेके आएंगे तो किस में आएगा, ये डिवाइड में, तो 255 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू भागफल। ठीक है, अब देखो काटो कितनी बार जाएगा, 5 × 25, ठीक है पूरा पूरा कट गया, और 5 × 5 कितनी बार गया, ये 51 बार, तो हमारा भागफल क्या आ गया, विच इंप्लाइज भागफल इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 51 आंसर। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इसको आप मौखिक भी कर सकते हैं, ठीक है मन मन में भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए करके दिखा दिया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे और किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे वो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला लिखो, क्वेश्चन है पहला 1265 को 1265 को किस संख्या से, किस संख्या से भाग दिया जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि भागफल कितना आ जाए 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए क्या होता फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही होता ना। ठीक, भाज्य कितना दिया है ये, ठीक है 1265, भाजक किस संख्या से भाग दिया जाए, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, तो भाजक हमें क्या निकालना है। ठीक है, गुणा भागफल कितना दिया हमारा 84 प्लस शेषफल 5, इधर लेकर आओ देखो प्लस में इधर आएगा तो कितना आएगा, माइनस में तो कितना हो जाएगा ये 1260 इक्वल टू भाजक गुणा 84 इधर ले आएंगे डिवाइड हो जाएगा तो भाजक बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1260/84। अब देखो काटो से, 12 से काट सकते हैं, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 72 × 7 = 84, 12 × 12 = 0 जीरो लगाएंगे, 12 × 5 = 60। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखो 7 से कितनी बार जाएगा ये, 7 × 7 = 7, 3 × 7 = 35। ठीक है, तो भाजक हमारा कितना आ गया, भाजक बराबर 15 आंसर। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर लिख देता हूं यहीं, क्वेश्चन नंबर दो की बात करूं मैं, ये कह रहा है कि 1708 को किस छोटी से छोटी संख्या 1708, यहां लिखो 1708 में से किस छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या क्या हो 13 से
पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन क्या है, 1708 में से किस छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो आपको इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना है, सिर्फ क्या करना 1708 को लिखना है। अब इसको क्या करना, 13 से डिवाइड करना है। ठीक है, 13 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, देखो यहां से जाएगा तो 13 का ना 13 क्या बचेगा, 4 बचेगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 13 × 39 कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा और 8 है आगे, तो कितना हो जाएगा 18। 13 से 18 को डिवाइड करेंगे, 13 से 18 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 13 × 13 कितना रिमाइंडर बचेगा, 5। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि 1708 में से किस छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाए प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर ये रिमाइंडर यहां नहीं बचता, पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है कि रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ये यहां पे 5 रिमाइंडर नहीं बचता तो क्या होता है, 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाती संख्या हमारी। तो इसलिए हम छोटी से छोटी संख्या क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे। ठीक है, तो हम क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड के चक्कर में नहीं पढ़ना है, सीधे सीधे इस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये कह रहा है कि 1560 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, 1560 में वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए। पहले हमसे क्या पूछा था, घटाए, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। अब पूछ रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या, जिससे प्राप्त संख्या 18 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1560 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मैंने आपको विभाजन के नियम बताए थे, अब विभाजन के नियम में मैंने आपको 2 का नियम भी बताया था और 9 का नियम भी बताया था। ठीक है, अगर मैं 2 × 9 करूं तो कितना आएगा, 18 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो मैंने आपको 2 का नियम भी बताया था, 18 का नियम भी बताया था। 2 का नियम क्या था, 2 का नियम यह था कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या हमारी क्या होती है, 2 से डिवाइड होती है पूरी पूरी तरह। 9 के नियम में मैंने ये बताया था कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी पूरी तरह विभक्त हो जाता है तो वो संख्या हमारी 9 से पूरी पूरी तरह विभाजित होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1560 को 18 से विभाजित करना है। तो 1560 को 18 से विभाजित करने के लिए ये 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, पूरी पूरी तरह। तो अगर मैं 2 से बात करूं तो मैंने बताया था लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी है तो 2 से विभाजित होगी। तो 1560 में लास्ट में क्या है, 0 है, इसका मतलब ये 2 से तो विभाजित होगी। ठीक है, अगर मैं 9 की बात करूं, 9 से विभाजित होने के लिए मैंने बताया था कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो मैं इसके अंकों का योग कर लूं, क्या आएगा, देखो 1+5+6+0 कितना आया, 6, 5, 11 और 1, 12। ठीक है, 12 आ गया। अब 12 आ गया तो 9 से तो ये डिवाइड होगा नहीं 12। ठीक है, ये 12 9 से तो डिवाइड होगा नहीं पूरा पूरा डिवाइड होने के लिए क्या संख्या और जोड़ी जाए, जोड़ने के लिए बोल रहा ना, क्या संख्या और जोड़े जो ये क्या हो जाए, पूरी पूरी तरह विभक्त हो जाए। तो अगर मैं इसमें 6 और जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा पूरा, और ये 9 से पूरा पूरा
दो बार कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई छोटी से छोटी संख्या जो है इसमें क्या जोड़ी जाएगी, 6 जोड़ी जाएगी, तब जाके ये संख्या हमारी 1560 कितने से, 1560 में अगर हम क्या जोड़ें, 6 और जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 1566। तो ये संख्या जो होगी हमारी 18 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शून्य में 60 से भाग देने पर शून्य में 60 से भाग देने पर भाजक भागफल तथा शेषफल क्या होगा, ये हमें बताना है। अब देखो शून्य में भाग देनी है हमें किससे, 60 से। अगर शून्य में हम 60 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, शून्य बार जाएगा। अब 60 की शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, शून्य आएगा। अब शून्य आएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा भैया, शून्य आएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, भाज्य क्या हमारा, जिसको हम भाग देते हैं, जीरो है हमारा क्योंकि जीरो को हम भाग दे रहे हैं। भाजक हमसे क्या पूछा है, 60, जिससे हम भाजक दें तो 60 हमारा भाजक हो गया। भागफल कितना हमारा, जीरो है, जीरो हमारा भागफल हो गया। शेषफल कितना हमारा, जीरो, तो जीरो हमारा शेषफल हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 60 0 0, भाज्य हमारा 0, भाजक हमारा 60, भागफल हमारा 0 और शेषफल हमारा 0, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये भी अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 12112 को 11 से तथा 13223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया हमें, क्वेश्चन दिया है कि 12112 को 11 से तथा 13223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। देखो कैसे निकालेंगे शेषफल, अगर मैं 12112 को 11 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर देखूं क्या आएगा, ठीक है। देखो अगर 11 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, एक, एक रिमाइंडर और एक, ये मिल के क्या बनेगा, 11 बनेगा। और 11 को फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। ये पूरा डिवाइड हो गया, मैं अपनी तरफ से 0 लगाऊंगा और इस 12 में फिर इस 11 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, एक, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आया, एक आ गया, ठीक। उसके बाद अगर मैं 13223 को 13 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, देखो 13 पूरा कट गया, 0 लगाएंगे, 13 आएगा, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ से, 9 बचेगा, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 93, और 13 7 कितना होता है, 91 होता है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 2, ठीक है। आई थिंक इतनी बात समझ में आ रही होगी, यहाँ से रिमाइंडर कितना आया, 1, यहाँ से रिमाइंडर कितना आया, 2। हमें क्या चाहिए, शेष फलों का योगफल। अगर मैं योगफल की बात करूँ तो यहाँ से रिमाइंडर कितना था, 1, और यहाँ से रिमाइंडर कितना था, 2, कितना आ गया हमारा, 3 आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, क्वेश्चन नंबर सिक्स है संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है, संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा, कैसे करेंगे। देखो संख्या क्या है हमारी 90707 को हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। अब देखो मैंने 9 से डिवाइड होने के लिए आपको एक रूल बताया था, क्या रूल बताया था कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित होगा तो वो संख्या भी क्या होगी, 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसका मतलब क्या, अगर मैं इसके अंकों का योग करूं कितना आएगा, 9 + 0 + 7 + 0 + 7, ठीक है कितना आ गया, जोड़ो इसको, 7 9 कितना होगा 16, और 16 और 7 कितना होगा 23। ठीक है, अगर मैं 23 को कितने से डिवाइड करूं, 9 से डिवाइड करूं, ठीक है तो कितनी बार जाएगा, 9 2 18 दो बार जाएगा और रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो इस नंबर को 90707 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आई होगी, आई बात समझ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं देख लेते हैं। जितना भी मैं करा रहा हूँ सबके नोट्स बनाते रहना है अच्छे से, ठीक है, और बार बार रिवीजन करना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 है किसी संख्या को 69 से भाग देने पर, 69 से भाग देने पर 45 शेष बचता है, 45 शेष बचता है तब उसी संख्या को 23 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या को 69 से भाग देने पर 45 शेष बचता है तब उसी संख्या को 23 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, यह बताना हमें। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो चाहे तुम्हारा यूपी टेट हो, सी टेट हो, या और भी अपर लेवल के कोई भी आपके एग्जाम है, उन सभी में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखो कोई भी संख्या थी उसे हमने क्या करा, 69 से भाग दिया, 69 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर कितना आया था, 45, कितना रिमाइंडर आया था, 45 आया था, और हमसे बोला कि तब उसी संख्या को 23 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसी को हमें क्या करना है, जिस नंबर से दोबारा से हमें डिवाइड करने के लिए बोल रहा है उससे डिवाइड कर देंगे। देखो दो बार डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 46 जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक बार डिवाइड करेंगे 23 बन जा, 23 का ना 23 कितना बचेगा, 22। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, किसी संख्या को 69 से भाग देने पर 45 शेष बचता, तब उसी संख्या को अगर 23 से डिवाइड करेंगे हम तो हमारा क्या रिमाइंडर बचेगा, 22 रिमाइंडर बचेगा। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का ही, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है मिटा देता हूं इसको, चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, 39 शेष बचता है, तब उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ठीक है, ये बताना हमें। तो सेम करना है आपको, जिस नंबर से डिवाइड कर रहा उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको ये देखना है कि पहले क्या शेष बच रहा है 39, ठीक है। तो 39 को क्या करना है, उसी संख्या को 17 से भाग करना है, तो 39 को क्या करेंगे हम, 17 से भाग कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट ये करना है, 17 × 2 = 34 कितना आएगा, 5, ठीक है। इसका मतलब क्या, उसी संख्या को हम 17 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा हमारा, 5 शेष बचेगा, ठीक है। आंसर, आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आसान भी लग रही होंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, चलिए क्वेश्चन को भी लिखते रहना साथ के साथ, ठीक है, वीडियो को रोक के लिख लिया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक संख्या को 56 से भाग देने पर, एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, 29 शेष बचता है, तब इसी संख्या को 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा, ठीक है, ये बताना। तो क्या करेंगे, सिंपल सा, क्या शेष बच रहा था पहले, 29 को क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 4 बार ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार लेंगे, 8 × 3 = 24, 24 × 29 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5, यहाँ पे भी क्या आया हमारा, 5 शेष, ठीक है। तो उस संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा हमारा, 5 शेष बचेगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आसानी से बना लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपके यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर दस है आपका, किसी संख्या के विभाजन में भाजक भागफल से 5 गुना है, भाजक जो है वो क्या है, भागफल से 5 गुना है, ठीक है। उसके बाद तथा शेषफल से 2 गुना है, ठीक है। यदि शेषफल 30 हो तब भाज्य क्या होगा, ठीक है। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो ध्यान से समझना, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है कि किसी संख्या के विभाजन में भाजक जो है, भाजक वो क्या है, भागफल का 5 गुना है, 5 गुना किसका है, भागफल का, ठीक है। दूसरी लाइन में क्या दिया कि शेषफल से 2 गुना है, भाजक हमारा
क्षेत्रफल से कितना गुना है? दो गुना है, ठीक है। भाजक क्षेत्रफल से कितना गुना है? दो गुना है। और क्षेत्रफल क्या दिया हमें? 30। अगर क्षेत्रफल 30 है तो हम यहाँ 30 लिख सकते हैं क्षेत्रफल की जगह, ठीक है। तो कितना आएगा? 60 आ गया हमारा क्या? भाजक। भाजक हमारा 60 आ गया, तो अब इसमें रख सकते हैं हम। देखो यहाँ से देखो, 60 भाजक आ गया, भाजक की जगह मैंने 60 रखा, 5 गुणा भागफल, ठीक है। तो भागफल यहाँ से कितना आएगा? 12 पंजे 60 होता है, भागफल हमारा कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या निकालना है? भाज्य निकालना। भाज्य के लिए मैंने आपको सबसे शुरू में फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो देखो भाजक कितना है? 60, भागफल कितना है? 12, प्लस शेषफल कितना था आपका? 30। देखो 12 छंग 72 होते हैं, कितना आएगा? 720 प्लस के 30 कितना आ गया? 750, ठीक है। तो हमारा भाज्य जो होगा इस क्वेश्चन में वो कितना होगा? 750। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना इसी टाइप के। और जब मैं आपको अभ्यास प्रश्न कराऊंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, उसके बाद में कम से कम मैं आपको 50 से 60 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस के लिए दूंगा, जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर या आने की संभावना है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने डिजाइन किए हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उनकी PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पर जाके जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और यार अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ठीक है। मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।